मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 2021 बुर्ज हमल वाले अफराद के लिए कैसा रहेगा, और मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द ये जो 12 बरूज का 2021 का जो हॉरोस्कोप है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, और उसकी इब्तिदा आज इंशाल्लाह बुर्ज हमल यानी एरी से हम करने जा रहे हैं। तो अक्सर मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि सर आप ये प्रिडिक्शन की जो बेसिस है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, तो मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे बुरूज हैं, ये जो मेरी प्रिडिक्शन है, आपने इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक पढ़ना है, नंबर एक। दूसरा, आप इसको सन साइन प्रिडिक्शन उसके मुताबिक पढ़ेंगे, और जो डेट मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक अगर आपका बुर्ज हमल बनेगा यानी एरीज होगा तो ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, और इंशाल्लाह इसमें मैक्सिमम 90% आपके ऊपर ये प्रिडिक्शन एप्लीकेबल होगी अगर आप इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन साइन बेसिस के ऊपर पढ़ेंगे। दूसरा, जो डेट ऑफ इनकी सन साइन की, जोडियक साइन की जो डेट है जो मैं बताऊंगा उसके मुताबिक आपने इसको रीड करना है। इसका मून साइन से कोई लेना देना नहीं है, और ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर प्रिडिक्शन की जाएगी। तो सबसे पहले बुर्ज हमल ऐसे अफराद जो 21 मार्च से 19 अप्रैल के दौरान पैदा हुए हैं उनका बुर्जे हमल कहलाता है। ऐसे अफराद जो 21 मार्च से 19 अप्रैल के दौरान पैदा हुए हैं उनका बुर्जे हमल होता है, और ऐसे अफराद जिनको अपने बुर्ज का नहीं पता, तारीख पैदाइश नहीं पता, उनके अगर नाम का हरूफ पहला हरफ अलिफ लाम ऐन ये इनमें से कोई एक हरूफ उनके नाम का पहला हरूफ होगा तो भी उनका बुर्जे हमल शुमार किया जाएगा। और बुर्ज हमल ये एक मुनकलब बुर्ज है, आतशी बुर्ज है, इन्हें कंटिन्यूसली चेंजेस पसंद है, एक ही जगह पर ठहरना इनकी आदत में शामिल नहीं है, यानी तलून मिजाज है, तब्दीली को पसंद करते हैं, और आतशी हैं, एक्शन ओरिएंटेड है, फौरन गुस्सा आ जाता है, और अपने जो भी काम है उनका फौरी रिजल्ट चाहते हैं, ये इनके लिए एक चीज़ें होती हैं। और बुर्ज हमल के अंदर शम्स को जो है वो शर्फ होता है, और ये रोमांटिक नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनरी पोइट्री सिंगिंग और फ़नून लतीफ़ा की तरफ इनका रुझान होता है। यहाँ पर जोहल सैटर्न को हबूत होता है, यानी ये वीक पोजीशन में है, तो इस हवाले से अपने काम, एक काम के ऊपर फोकस इनके लिए करना मुश्किल होता है, अपने प्रोफेशन को ये चेंज करते रहते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे अपना बुर्ज हमल का जो हॉरोस्कोप है, ये तो थी इनकी थोड़ी सी मालूमात। बुर्ज हमल की सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी हेल्थ की, हेल्थ के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल का महीना इनको मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि इनके जो लगन का लाड है मार्स यानी मरीख, ये कमज़ोर होगा, यहाँ पर बहुत ही वीक पोजीशन में होगा। इस हवाले से सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, हेल्थ के हवाले से इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। मज़ीद इनकी हेल्थ के हवाले से अगर हम देखेंगे तो जून, अक्टूबर और दिसंबर ये महीने इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, इनकी हेल्थ इन महीनों में इम्प्रूव करेगी, बेहतर होगी, सेहत की रिकवरी होगी,
और अगर ये कोई अपना अहम टास्क इस महीनों में स्टार्ट करे तो इंशाल्लाह वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। अगर इनका कोई भी ऐसा काम जो पेंडिंग है तो वो इन महीनों में वो करें तो इनके जो काम इंशाल्लाह वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। अब हम बात करेंगे इनकी फाइनेंशियल मैटर्स यानी इनके माली मामलात। माली मामलात के हवाले से अगर मैं इनका देखूं तो इनके लिए ये साल जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके 12th हाउस के अंदर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है और जुपिटर अपने ही घर के अंदर बुर्ज हौद के अंदर रहेगा इस साल के अंदर। तो इस हवाले से कहें कि इनके लिए ये जो साल है वो खुशनसीबी का साल होगा इंशाल्लाह। दूसरा, इनके माली मामलात को अगर हम फोकस कर लें तो फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर ये वो माह होंगे जिसमें ये मैक्सिमम ये गेन कर सकेंगे अपने माली मामलात के ऊपर। फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा इनके माली मामलात के हवाले से, गेन के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनके मैटर्स, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी की सेल, प्रॉपर्टी की परचेज या व्हीकल परचेज या सेल के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम इनके फोर्थ हाउस को देखें तो जुपिटर जो है फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो इस साल इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी, जिन अफराद के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज होगी, प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं और व्हीकल की परचेज और सेल वो भी इंशाल्लाह इसी साल के अंदर आप कर सकते हैं, ये आपके लिए मुबारक रहेगा। लेकिन आपको 23 मई से 11 अक्टूबर तक आपको मोहतात रहना है। इस टाइम पीरियड में आपने प्रॉपर्टी सेल, प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल सेल या परचेज नहीं करना, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर प्रॉपर्टी है तो कोई लिटिगेशन डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, और अगर कोई व्हीकल परचेज सेल कर लेते हैं, परचेज करते हैं, तो वो आपके लिए अनलकी होगा, थेफ्ट हो सकती है व्हीकल या वो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस हवाले से 23 मई से 11 अक्टूबर तक आपने मोहतात रहना है। उसके अलावा टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव होगा, इसमें आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज, व्हीकल की सेल परचेज आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो मार्च, अगस्त और नवंबर ये वो महीने होंगे जो इनके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे, लकी साबित होंगे। अगर इन टाइम पीरियड के अंदर ये कोई एडमिशन लेते हैं या इनका कोई एग्ज़ाम आता है, जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं या फिर स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं, तो इंशाल्लाह इन मंथ के अंदर इनको कामयाबी मिल सकेगी। और अगर हम बात करें इनकी औलाद के हवाले से तो औलाद के हवाले से भी इन्हीं मंथ के अंदर इनकी औलाद पैदा होती नज़र आ रही है, या कोई हेल्थ के इश्यूज अगर औलाद से रिलेटेड है तो वो भी इनके औलाद से रिलेटेड जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो भी इंशाल्लाह इनके रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत के मामलात की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो मार्च, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर ये अच्छे माह होंगे। इन मंथ के अंदर ये अपनी लव मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज के बहुत ज़्यादा इनके चांसेस बने हुए हैं, तो ये मंथ इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसी तरीके से अगर ये इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं, इन्हीं मंथ के अंदर इनका बहुत लकी टाइम होगा और इंशाल्लाह इन्हीं टाइम पीरियड में इनको इनाम मिल सकता है। अब हम बात करेंगे इनकी लिटिगेशन। ऐसे अफराद जो लिटिगेशन मैटर में इन्वॉल्व हैं उनके लिए उनका जो स्टार है वो जो मरकरी है वो इस वक्त इनका जो जायचे में होगा, यानी अतारत जो है वो मार्च के महीने के अंदर नेगेटिव होगा। तो मार्च के महीने में कोशिश कीजिएगा, बचिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में लिटिगेशन हो सकती है और आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है। लेकिन मई और अगस्त ये दो माह ऐसे होंगे अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको कोशिश करें सेटल कर सके। इन महीनों में आपका वो जो डिस्प्यूट है, लिटिगेशन मैटर्स है, वो आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। और अगर आपने किसी के ऊपर केस फाइल करना है तो तब भी मई और अगस्त बहुत आपके लिए अच्छा, लकी, सूटेबल टाइम होगा,
इस टाइम में की गई लिटिगेशन आपके फेवर में हो सकेगी, आपको उसका फेवर मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम देखेंगे इनकी मैरिज, ऐसे अफराद जिनकी मैरिज नहीं हुई उनके लिए कौन सा टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर, ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत लकी साबित होगा। इन टाइम पीरियड में ये मैरिज कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, इंगेजमेंट कर सकते हैं, निस्बत तय कर सकते हैं। इन टाइम पीरियड में अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो इंशाल्लाह शादी की खुशियाँ नसीब होंगी और आपकी मैरिड लाइफ बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। मज़ीद ऐसे अफराद जो बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए अगर मैं देखूं तो उनके लिए भी फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर ये टाइम पीरियड बहुत लकी होगा, पॉजिटिव होगा। आपका जो सेवंथ हाउस लॉर्ड यानी वीनस है ये बहुत पॉजिटिव होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा मौके देगा, बेनिफिट देगा, चांसेस देगा। तो इस इन टाइम पीरियड में आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम आप गेन हासिल कर सकें, अपना पार्टनरशिप कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बिज़नेस को मज़ीद ग्रो किया जा सकता है। ये वो टाइम पीरियड है, या बिज़नेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई डिजीज़ है और वो क्रॉनिक है और कोई अगर डॉक्टर की कंसल्टेशन होती है कि अप्रैल इसमें आप सर्जरी करवाएं, तो सिर्फ अप्रैल का महीना इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जून, अक्टूबर, दिसंबर ये वो मंथ होंगे जिनके अंदर आपका जो एट लॉर्ड यानी मरीज वो पॉजिटिव होगा। इन टाइम पीरियड में आपने उसको यूटिलाइज़ करना है और इसमें अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो ये आपके लिए सर्जरी बहुत कामयाब रहेगी इंशाल्लाह और वो आपको डिजीज़ से क्योर हो सकेगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनके फॉरेन में ट्रैवल की, इमिग्रेशन की, फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा जो फॉरेन में जाना चाहते हैं या फॉरेन में सेटलमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इनके लिए 21 जून से 18 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। कोशिश करें इन टाइम पीरियड से पहले या बाद में अपने केस वीज़ा एप्लीकेशन या फिर अपनी इमिग्रेशन मैटर्स या फिर आप हायर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप या पीएचडी थीसिस की सबमिशन, ये तमाम मैटर्स जो हैं ये आप 21 जून से 18 अक्टूबर को छोड़कर बाकी तमाम महीनों में कर सकते हैं। आपके लिए ये जुपिटर पॉजिटिव है, इंशाल्लाह आपके जो मामले आते हैं वो आपके हसबे मंशा हल हो सकेंगे। अब हम बात करेंगे इनकी जॉब की, जॉब के हवाले से अगर हम देखें तो जो सैटर्न है वो अपने ही हाउस में पड़ा है और जब भी कोई प्लैनेट अपने 10वें घर में अपने घर में हो तो ये राजयोग कारक होता है, राजयोग बना हुआ है इनका। लेकिन ये 23 मई से 11 अक्टूबर ये क्योंकि इनके लिए वीक टाइम होगा, कोशिश कीजिएगा इसमें अपनी जॉब के ऊपर फोकस करें। इसमें टर्मिनेशन, सस्पेंशन, आपके खिलाफ कार्रवाई, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, इस तरह के मैटर्स, या आपको जॉब के उस निकाल देना, आपके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड हो जाना, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो 23 मई से 11 अक्टूबर तक आप बिल्कुल मोहतात रहिएगा और इस दौरान आप सदका कर सकते हैं और इसकी नहूसत से महफूज रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेन में सेटलमेंट की। फॉरेन लैंड के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, चाहे उनके पास स्टे है, वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, इसके लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए इस साल के अंदर 21 जून से 18 अक्टूबर ये टाइम आपके लिए टफ होगा। इस टाइम पीरियड में आपने कोशिश करनी है कि आप अपना जो इमिग्रेशन या परमानेंट रेजिडेंसी केस है उसमें परसू ना करें। 21 जून से 18 अक्टूबर ये आपके लिए वीक टाइम होगा। अगर आप इस टाइम में करेंगे तो ये आपको रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन आपको मिलेगी, आपकी रेजिडेंसी नहीं हो सकती। लेकिन इन टाइम पीरियड को छोड़ के अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह इस साल में आपके लिए जो फॉरेन में रहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू 2021 के हॉरोस्कोप इनके लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।